क्या तुम लोगों को पता है नॉन स्टॉप गेमिंग का असली नाम शिवम राठी है। अब नाम में राठी हो और बंदा कलाकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो कुछ हो ना हो, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी और मैंने भी मान ली है कि ये नॉन स्टॉप गेमिंग बहुत ही चालाक और कलाकार बंदा है। अभी तक तो मैं भाई से बहुत तमीज से बात कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज दूसरे मोड में बात करनी पड़ेगी। बात ऐसे बंद नहीं रही, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप की वो 9-10 घंटे की लाइव स्ट्रीम देख के एक बात तो रियलाइज हो गई कि हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में एक से एक एक्सपोजर्स पड़े। ये वही गोदी पत्रकार हैं जिनका मुंह नेताओं के सामने नहीं खुलता है, इनकी गांड में गुदा नहीं होता है कि ये सामने से सवाल पूछ पाए। क्या करें यार, इनकी भी मजबूरी है, इनको भी चाटना है, घर भी तो चलाना है। लेकिन चलो ठीक है, एक ने कम से कम अपनी दलाली को साइड में रखते हुए जोश जोश में आकर के अपना मुंह खोलने की कोशिश तो करी। चलो 2 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम भाई का मन तो भरा नॉन स्टॉप की चाटने से। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये वाला इतना बड़ा दलाल है, बस इसका यही काम धंधा है, कहीं NXT की चाटता है, कहीं NG की चाटता है, बस इसका चाट चाट के ही घर चलता है। 2 साल पहले यही ऑफिशियल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, स्मूथ बिल्कुल फेयर है, स्मूथ मेरा बाप है, मेरा दूसरा बाप स्मूथ ही है। अरे यार, चाटने की भी एक सीमा होती है। बाकायदा बैठ कर रिएक्शन दिया जा रहा है गेम प्ले पे, बाकायदा उसको हैकर की जगह फेयर प्लेयर प्रूफ किया जा रहा है, और 2 साल बाद आके बता रहा है कि स्मूथ के PC में चीट इंजन पकड़ा गया, स्मूथ के PC में बिग हेड पकड़ा गया। अरे 2 साल पहले क्या माचू आपने? और ये पॉइंट देके तुम नहीं बच सकते हो कि क्या हो गया 2 साल बाद आया तो कम से कम पॉइंट तो सही लेके आया हूँ। अरे उस टाइम पे तेरे को नहीं दिखी थी ये चीजें। 2 दिन तूने स्मूथ का PC चेक करा था डिस्कॉर्ड पे बैठ के, उसकी वीडियो भी डाली तूने, तेरे को वहाँ पे रेड रेड हाईलाइटेड डिलीटेड चीजें नहीं दिखी। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। भाई ये फ्री फायर के बच्चे हैं, इनको कुछ भी बता दो, कुछ भी बोल दो, मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिखी होंगी, मान लेता हूँ नहीं दिखी होंगी। लेकिन एक बात बता मेरे प्यारे दलाल ऑफिसियल, तो ये पॉइंट तभी लेके क्यों आया जब ये चीजें उठ रही थी नॉन स्टॉप? उस दिन लाइव आया, उसी दिन तो लाइव में ये चीजें क्यों लेके आया? तेरे को उसी दिन दिखी थी क्या ये चीजें? नहीं नहीं नहीं, ये चीजें तो तेरे को 2 साल पहले ही पता चल गई थी, तूने उसी दिन PC में देख लिया था, लेकिन तेरे को नॉन स्टॉप की चाटना भी तो था। लेकिन तू अगर सच उसी टाइम पे ला के रख देता तो तेरा बाप नॉन स्टॉप तेरे से नाराज नहीं हो जाता। तूने उसके बाप स्मूथ 444 को कैसे एक्सपोज कर दिया? यानी कि इनडायरेक्टली तू अपने बाबा को एक्सपोज कर रहा होता। बाप का बाप बाबा ही होता है ना। सारे के सारे चूतिए एक नंबर के दलाल हैं, जितने दिन इनका किसी की चाट के घर चलता है उतने दिन ये घर चलाते हैं, वरना फिर उसी के अपोजिट में खड़े हो जाते हैं। इस दलाल को अच्छे से पता था कि स्मूथ 444 के PC में ये चीजें पकड़ी गई हैं, और अगर इसने देखा था तो इसको बोलना चाहिए था आकर, ये अभी क्यों आके बोल रहा है? अब तू ये मत बोल दियो कि मेरे पास टाइम नहीं था, बनाने वाला था। अरे भाई, जो बंदा किसी को व्यूज के लिए मार सकता है थंबनेल में, वो बंदा स्मूथ 444 जैसे फेमस प्लेयर को एक्सपोज करने के लिए तो अपनी झुक के दे भी देगा। अगर उसके अंदर दलाली नहीं भरी होगी, सच्चाई भरी होगी, तो अभी भी बहुत लोग इसको बहुत तुर्रम खा एक्सपोजर समझते होंगे। भाई इनके जैसे चूतिए 365 घूम रहे हैं अभी के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी, और जिनका दिमाग थोड़ा सा भी विकसित हो चुका है और वो अभी भी डायमंड के और रिडीम कोड के भंडारे के लाइन में नहीं लगते हैं, उनको पूरी तरीके से इसकी दलाली समझ में आ गई होगी। ये बंदा कितना बड़ा दलाल है, मतलब ये बॉस नाम वाले बंदों पे तो भरोसा ही नहीं करने का। एक बार गू खा लो, लेकिन इन बॉस नाम के बंदों पे भरोसा ही नहीं करने का। तुमने खुद ही देखा, ये बंदे अपने बाप के भी सगे नहीं होते हैं, जिनके वीडियो पे बैठ कर रिएक्शन देते हैं, उनसे व्यूज छापते हैं, तो तुम्हारे क्या ही सगे होंगे। बस इस दलाल के लिए इतने ही शब्द काफी थे। बाय द वे, तू कभी मेरे से 1-to-1 लाइव में मिल लियो, तेरे को बहुत अच्छे से बता दूंगा, तेरी तरह की चुपचाप से माइक बंद करके बैठे रहूंगा। खैर, अब नॉन स्टॉप की बात कर लेते हैं। नॉन स्टॉप ने जब ये सारे एलिगेशन उठने लग गए, तो उसने एक लाइव स्ट्रीम करी 9-10 घंटे की, जो कि रात के 4 बजे तक चली। उसके अंदर बहुत सारे साइडी मारने वाले आए थे, जिनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, वो एक्सपोज सिर्फ वीडियो में कर पाते हैं, लाइव में उनकी फटके 4 हो रही। ऐसे साइडी मारने वाले दलों से और लिपसिंग करने वाले दलों से तो बिल्कुल दूर ही रहो, बच के रहो, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए, लेकिन कभी अपने बटुए की फोटो कम्युनिटी पोस्ट में डाल के ये नहीं जाहिर किया कि देखो मेरा घर इसी के नाम पे चल रहा है। और जो बंदा अपनी बटुए की फोटो कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा है, जिसके चैनल पे गिनी चुनी 10 वीडियोज हैं, जिसमें से 8 वीडियोज तो उसके बाप के नाम पे ही हैं, बस तुम उसके पोस्ट से ही उसकी मेंटालिटी समझ सकते हो कि कैसा बंदा है वो, कैसी सोच वाला बंदा है। खैर, टिकटॉकरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो साइडी मारते घूमते। बहुत कर ली एक्सपोजर्स और दलालों की बातें, चलो अब बात कर लेते हैं जरा नॉन स्टॉप भाई के बारे में। अब मैं इतनी इज्जत सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे से एज में बहुत बड़े हैं, और उन्होंने मेरे को कुछ उल्टा सीधा अभी तक नहीं कहा, क्योंकि भाई के जो बाकी कर्म कांड है वो इज्जत के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने 8-9 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी, लेकिन उसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब इसमें भी भाई की गलती नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछने गए थे वही सारे के सारे हिजड़, उनके मुंह से आवाज तक ना निकल रही थी, तो ये क्या ही जवाब देगा। भाई ने 9-10 घंटे लाइव स्ट्रीम करी, लेकिन क्या पूरी लाइव स्ट्रीम के अंदर इस बात का लॉजिकल जवाब दिया कि इनके 9-10 प्लेयर्स की IDs क्यों बैन हुई? क्या भाई ने इस बात का लॉजिकल जवाब दिया कि स्मूथ के
पीसी में बिग हेड और चीट इंजन कैसे आया? नहीं, भाई ने इस बात का लॉजिकल जवाब दिया कि उनके प्लेयर की आईडी सिर्फ क्रोम में लॉगिन करने से कैसे बैन हो गई? नहीं, क्या हमारे नॉन स्टॉप भाई स्मूथ का पीसी चेक कराने के लिए रेडी हुए? नहीं, अरे ये सब तो बहाने हैं भाई कि कल को कोई फिर से आएगा बोलेगा स्मूथ का पीसी चेक कराओ। अरे आज तुम चेक कराओ ना, कल को कोई आएगा नहीं आएगा उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि पुलिस तुमसे बोल रही कि यार किसी का सामान चोरी हो गया है, एक बार अपनी तलाशी दे दो फिर हम चले जाएंगे, तो तुम बोलो नहीं नहीं सर अभी कल को कोई और आएगा बोलेगा तलाशी दे दो तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं दिन भर बैठ कर तलाशी देते रहूंगा। नहीं नहीं ये कहां का लॉजिक है नॉन स्टॉप भाई, एक बार आपका प्लेयर आपकी ऑडियंस के सामने फेयर प्रूफ हो जाएगा तो फिर कोई कुछ भी आगे बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपकी ऑडियंस को भी नहीं पड़ेगा। कम्युनिटी के अंदर राइट स्टार फेयर प्रूफ हो चुका है तो क्या आज भी कोई राइट स्टार का पीसी चेक करने को बोलता है? क्या आज भी कोई उसे हैकर बोलता है? नहीं ना। और ये बेट वेट लगाना तो एक बहाना है, एक साइकोलॉजी गेम है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी सामने से बंदा अपना चैनल डिलीट करने का या लाखों रुपए का बेट नहीं लगाएगा सिर्फ तुमको हैकर प्रूफ करने के लिए। और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी क्रिएटर के पास इतना पैसा और टाइम नहीं है कि आपके घर पे आके आपका पीसी चेक करके जाए, ये सब सिर्फ एक बहाने ही है। और अगर ऐसा ही है तो चलो भाइयों हम सब चलते हैं हैक लगा करके नॉन स्टॉप भाई का गिल्ट टेस्ट देने और हैक लगा करके राउंड्स निकाल देंगे, जीत जाएंगे। लेकिन पीसी चेक करवाने के टाइम हम यही बोलेंगे कि नॉन स्टॉप भाई आप हमारे घर पे आके पीसी चेक कर लो, एक एक लाख की शर्त लगा लो। कर पाओगे नॉन स्टॉप भाई ये काम? तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम वाली ड्रामेबाजी है जरा बंद करके मेन पॉइंट पे बात कर लो, जहां गलती हुई वहां एक्सेप्ट कर लो। मेरी दोनों साइड्स हैं, मैं एंटरटेन करने के लिए शॉर्ट्स वाला मुजरा भी कर लेता हूं और अपनी पे आ गया तो फिर दूसरी तरीके से अपनी पे भी आ जाता हूं। तो आपके लिए अच्छा होगा कि कम्युनिटी को फेयर बनाए रखो, अगर आपका कोई बेटा है तो उसको बचाने की कोशिश ना करी जाए, कभी उसका लो एंड का पीसी बता के उसको सिंपति दिलवा रहे हो, कभी उसके पीसी में चीट इंजन पकड़े जाने पर बोल रहे हो कि उसका भाई रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, ये करता है वो करता है, अरे भाई ये बहाने लॉजिकल नहीं है। खैर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनको चाटना है बाप का, कल से देख लेना फिर से उनके साथ कोलाइव वीडियोस आने लग जाएंगी, उन्हीं के वीडियोस पे रिएक्शन देने लग जाएंगे। मेरा पास्ट कैसा भी हो लेकिन अब मैं जिस हूं उसको एक तरफा होके पेलता हूं, वो चाहे जो भी हो कितना भी बड़ा क्रिएटर हो कम्युनिटी। खैर नॉन स्टॉप भाई इतनी बातें काफी होंगी, मेरा आपसे कोई पर्सनली हेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो सवाल है ये यार बहुत बड़े और सीरियस सवाल, हमें इन सवालों का सीधा सीधा जवाब चाहिए, हमें 9-10 घंटे की लाइव स्ट्रीम वाली ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई तूने वीडियो बनाई तो उस दिन लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं किया? भाई देखो मेरा नॉन स्टॉप से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन नॉन स्टॉप भाई अगर आपको लगता है आप सही हो, इतने बड़े क्रिएटर हो, वैसे भी पूरी कम्युनिटी बदनाम है, फ्री फायर की कुछ इज्जत ही नहीं बची है भाई, पर आप जैसे बड़े क्रिएटर्स अगर ऐसी हरकतें करोगे जनता का भरोसा उठ जाएगा, वैसे भी उठ चुका है। और मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी भी पीसी प्लेयर पे ट्रस्ट मत करो, पीसी प्लेयर्स की अपनी एक अलग दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मुझे खुद भी उतनी चीजें नहीं पता है, और तुम लोग सिर्फ बेवकूफ बनते हो रेड नंबर्स देख करके। और सैल्यूट है उन प्लेयर्स को जिन्होंने फोन में खेल के अपना नाम बनाया है, जिन्होंने फोन में खेल के खुद को लेजेंड साबित किया है। खैर बाकी बातें अगली वीडियो के अंदर करेंगे। और नॉन स्टॉप भाई अगर आपके अंदर जवाब देने की थोड़ी सी भी हिम्मत होगी तो मेरा इंस्टाग्राम का डीएम खुला हुआ है, अब मैं पूरा वेला बैठा हूँ और मैं उन टिकटॉकरों और दलालों में से नहीं हूँ, मैं खोल के बजा दूंगा। बाकी आप समझदार हो, कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे हगने आएंगे जिनसे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई जो है वो है। और हाँ जाते जाते बता दूं हमने एक नया चैनल स्टार्ट करा है जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया हूँ, तो स्क्रीन पे आ रही है वीडियो जाके क्लिक करके देख लो, मजा आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस उस चैनल पे आएंगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ही देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। और हाँ तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर कमेंट्स में बताना, बच्चे बहुत अकते हैं तो तुम लोग कुछ पॉजिटिव कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि तुम लोग जो बात को समझते हो वो लोग तो कमेंट नहीं करते हो, और बच्चे आके हक्के कमेंट में चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा गलत है, ये बंदा ऐसा है वैसा है, तो कम से कम जो सपोर्टर्स वो एक कमेंट तो कर दिया करो यार। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।